कौन ले आना चाहता है, एक व्यक्ति के चाहने से महागठबंधन में कोई आएगा जाएगा नहीं। विचार विमर्श के बाद और सीपीआई को हमारे पुराने साथी रहे हैं, वो लोग भी सीपीआई हमसे अलग हो गई थी जब उस दिनों ये हमारे दल में थे। माझी जी स्टेट मिनिस्टर एजुकेशन उस समय ही सीपीआई हमारे क्वार्टनेशन में थी और सीपीआई छोड़ करके हम चले गए। तो सीपीआई पहले इच्छा क्या ही करेगी तभी कुछ, तो मतलब रास्ते खुले हैं यानी सीपीआई राजनीति में रास्ता कोई बंद होता है, मतलब कन्हैया और तेजस्वी साथ आ सकते हैं लड़ेंगे। मैं समझता ही नहीं हूँ कि कन्हैया तेजस्वी जी के साथ आने का क्या प्रश्न है, राजन और सीपीआई के साथ आने का प्रश्न। मंगल पांडे ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव पे हमला किया और उन्होंने लिखा, शिक्षा में फेल, पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल और अब तो महागठबंधन के सहयोगियों को साथ रखने में भी फेल। उनका नाम तेजस्वी। असल में उनको अभी तत्काल इस बिहार को जो 12 करोड़ आबादी वाला बिहार है उसकी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार को जो खतरे सामने खड़े हैं स्वास्थ्य के आधार पर उसे बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी जिनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं वो लोग जनता के सामने अपने सवालों का जवाब देते रहे हैं। अच्छा ये मांझी जी ने सीपीआई कन्हैया का नाम लेते हुए एक और नाम लिया था पप्पू यादव का, और पप्पू यादव से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लालू यादव वाली आरजेडी जानते थे, आज की आरजेडी मुझे नहीं पता। कोई हम लोग से चर्चा नहीं हुई, कौन कहाँ कहाँ कहता है उसका जवाब तो देना मुश्किल है। जब आप सवाल तो आमने सामने होते हैं, हैं अभी आप लोग को हम लोगों ने पंच तो बनाया नहीं है कि आप लोग के माध्यम से सवाल जवाब करें, आमने सामने जब आएंगे तो उससे आपको समाचार मिल जाएगा। सर क्या आरजेडी भी तो चाहती होगी कि महागठबंधन एकता के साथ पूरी प्रबल से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़े? एक ही बात जानते हैं, आज के दिन बिहार की जनता त्रस्त है आज की हुकूमत और सरकार से, इन्हें जाना है और जनता के विवेक पर सारे विषय हैं कि इनका विकल्प कौन बनेगा। तो महागठबंधन के लिए अगली रणनीति क्या हो सकती है क्योंकि आरजेडी एक प्रमुख पार्टी है? महागठबंधन की रणनीति है कि 243 सीटों पर हम विजय हासिल करें। तो फिर आप अपने घटक दलों की बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं कि कोर कमेटी का गठन कर दें? उनकी छोटी सी तो मांग है कि कोर कमेटी का गठन कर दें। ये कोई मांग भी नहीं है और कोई इसमें अड़चन भी नहीं है, हर काम अपने समय पर हो जाते हैं। हम लोकसभा का चुनाव एक साथ नहीं लड़े? बिल्कुल लड़े। लड़े कहाँ, कोई कठिन नहीं। कहने का मतलब कि दलों के दिल मिलेंगे तो सभी रास्ते निकलते चले जाएंगे और लोकसभा में महागठबंधन बना वही तो महागठबंधन है और कोई अलग से भी महागठबंधन। हाँ नए लोगों का आना जाना वो बात चर्चा होगी तो ना। अच्छा कहा जा रहा है कि आरजेडी आजकल स्वर्णों को लेकर के अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। आरजेडी किसी को कभी नकारा ही नहीं और लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, बीपी सिंह जी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू जी और बीपी सिंह जी अन्य के साथ मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल का गठन किया था, वही तो पार्टी है। हमेशा से सब एक साथ थे, लोगों ने गलतफहमी फैला करके भेद पैदा किया और कुछ गंदे लोगों ने ऐसा कुछ प्रचार किया कि समाज में सामान्य नहीं रहा। अब उनके प्रचार का खात्मा होता जा रहा है, उनकी गंदगी को लोगों ने पहचान लिया है, फिर सभी लोग एक जगह थे और एक जगह आ रहे हैं। अच्छा सर अब ऐसे में कांग्रेस भी आपसे नाराज हो गई है राज्यसभा के सीट के बंटवारे को लेकर के, तो कांग्रेस को क्या कैसे मनाएंगे आप? हम लोग से कोई नाराज नहीं है और कोई नाराज भी है तो हम लोग किसी से नाराज नहीं। तो आप कांग्रेस को मनाएंगे साथ? हम लोग किसी से नाराज नहीं।